हुमायूं अशरफ और मोमना इकबाल, इन दोनों की जोड़ी को भी बेहद पसंद किया जा रहा है। ड्रामा सीरियल एहसान फरामोश में हुमायूं अशरफ कबीर और मोमना इकबाल फलक का किरदार निभाती हुई नज़र आ रही हैं। इन दोनों की जोड़ी को ऑन स्क्रीन बेहद पसंद किया जा रहा है और फैंस इन्हें असल ज़िंदगी में भी एक साथ देखना चाहते हैं। इस वक्त हुमायूं अशरफ दो पाकिस्तानी ड्रामों में काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, एहसान फरामोश में अदाकारा मोमना इकबाल के साथ और खेल ड्रामा में अदाकारा अलीज़े शाह के साथ। इनकी अदाकारी को बेहद अदाकारा माया अली और बिलाल अशरफ, ये ड्रामा सीरियल यूं ही में दाऊद और कनीज़ फातिमा के करदार में नज़र आए। माया अली को कौन नहीं जानता, ये मल्टी टैलेंटेड अदाकारा हैं, बेशुमार ड्रामों में काम कर चुकी हैं। इनकी अदाकारी को बेहद पसंद किया जाता है, पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। आजकल इनकी जोड़ी अदाकार बिलाल अशरफ के साथ बेहद पसंद की जा रही है। आप इन्हें ड्रामा सीरियल यूं ही में एक्टिंग करते देख चुके हैं। बिलाल अशरफ भी बेहतरीन अदाकार और मॉडल हैं। यूं ही ड्रामा इनका डेब्यू ड्रामा था, इसके बावजूद इनकी अदाकारी को बेहद पसंद किया गया और इन दोनों की जोड़ी को ऑन स्क्रीन बेहद पसंद किया गया। अदाकार इमरान अब्बास और नीलम मनीर, इमरान अब्बास बेहतरीन अदाकार और मॉडल हैं, ये बेशुमार ड्रामों में काम कर चुके हैं। इनकी अदाकारी को बेहद पसंद किया जाता है। आजकल ये ड्रामा सीरियल अहराम जुनून में अदाकारी करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें शानी का किरदार निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसमें इनके बदमकाबल अदाकारा नीलम मनीर काम कर रही हैं। नीलम मनीर शानजे का किरदार निभा रही हैं, ये भी बेहतरीन अदाकारा और मॉडल हैं। इनकी जोड़ी को मदाहों की तरफ से बेहद पसंद किया जा रहा है और इनके फैंस चाहते हैं कि असल ज़िंदगी में भी ये एक वहाज अली और आयजा खान, जो कि ड्रामा सीरियल में जिसमें आयजा खान मुबशरा का करदार अदा करती हुई नज़र आ रही हैं और वहाज अली जैद का करदार अदा करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन दोनों की जोड़ी को ऑन स्क्रीन बेहद पसंद किया जा रहा है। हिबा बुखारी और ज़ावियार नुमान, ये अक्सर एक साथ नज़र आते हैं, लेकिन आजकल ड्रामा सीरियल तेरे इश्क के नाम में हिबा बुखारी रुतबा का करदार अदा करती हुई नज़र आ रही हैं और ज़ावियार नुमान खुर्शीद का रोल प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं। इन दोनों की जोड़ी को ऑन स्क्रीन बेहद पसंद किया जा रहा है।